हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वीवो मोबाइल में ऐप ओपन नहीं हो रहा है, नॉट ओपनिंग वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे फिक्स करें। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है, तो सेटिंग में हम चलते हैं। सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का या ऐप मैनेजमेंट का, जहाँ पर सभी ऐप रहते हैं। तो दोस्तों, आपको इस सेटिंग पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऊपर ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या मैनेज ऐप का, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सभी ऐप यहाँ पर आ जाएंगे। अब जो ऐप ओपन नहीं हो रहा है उस ऐप पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ पर फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे ऐप पर क्लिक करके, जैसे कि यहाँ पर ए हो गया। देखिए फोर्स स्टॉप का जो ऑप्शन है, फोर्स स्टॉप पे क्लिक करना है, फिर आपको फोर्स स्टॉप कर देना है। इतना करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है या ऊपर ही आपके फ़ोन में ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज नाम का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्लियर डेटा पे क्लिक करना है, फिर आपको ओके कर देना है। इतना करने के बाद बैक आते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर। अब देखिए, अगर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर ऐप वाला ऑप्शन आपके फ़ोन में नहीं मिलेगा, तो आप क्या करना, सबसे ऊपर सर्च बार में क्लिक करके ऐप लिखेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा नीचे ऊपर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप मैनेजमेंट या ऐप्स नाम से। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करके चेक करना, आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से आप क्लियर डेटा कर सकते हैं। फिर गाइस, होम स्क्रीन पर आना है और अपने मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है, या रिबूट या रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। फिर ऐप को ओपन करना, 100% ओपन हो जाएगा। अगर फिर भी ओपन ना हो तो फिर क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको आ जाना है थोड़ा नीचे। और यहाँ पर जैसे थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिस्टम सेटिंग्स नाम का, या फिर एडिशनल सेटिंग, तो इस वाले सेटिंग पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आना है, बैकअप एंड रीसेट पर क्लिक करना है, फिर आपको रीसेट फ़ोन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर रीसेट ऑल सेटिंग या रीसेट सिस्टम सेटिंग्स ओनली का ऑप्शन मिलेगा। आपको रीसेट ऑल सेटिंग या रीसेट सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करके सिस्टम सेटिंग को रीसेट कर देना है। इससे कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, लेकिन आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम है 100% सही हो जाएगी। आप चाहें तो सेटिंग में जाने के बाद ऊपर सर्च बॉक्स में क्लिक करके लिखेंगे रीसेट, तो आपको ये सेटिंग यहाँ पर भी मिल जाएगी, रीसेट ऑल सेटिंग्स या रीसेट सिस्टम सेटिंग। आप इस पर क्लिक करके यहाँ से भी आप कर सकते हैं, फिर आपका जो ऐप रहेगा 100% ओपन हो जाएगा। तो आज के दिन बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।